वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एंड मोबाइल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जे टू फ़ोन को किस तरह से जो है फ्लैश करते हैं, तो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपको जो है एक ओदिन फ्लैशर टूल चाहिए और चाहिए आपको फ्लैश फाइल। तो इन तीनों चीज़ को आप जो है अपने कंप्यूटर में पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको फाइल के अंदर जाने के बाद आपको ओदिन टूल को आपको ओपन कर लेना है। तो मैंने ओपन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। तो इसको ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए PDMA फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अपने जहाँ पे भी रखा हुआ है फाइल को, तो हमने देखिए सैमसंग फ्लैश फाइल, तो यहाँ पे J2 का फाइल। तो सबसे पहले आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सिंपली आपको फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद अपने जहाँ पे भी फाइल को रखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना J2 का फाइल। तो इस फाइल को आपको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तभी वो जो है फाइल वहाँ पे दिखाएगा। तो फाइल एक्सट्रैक्ट होने में कुछ टाइम लेता है, तो सिंपली आपको वेट करना है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद तो फाइल हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। फिर से आपको जो है यहाँ पे आना है, उसके बाद अपने फाइल को जहाँ पे रखा हुआ है तो वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ गया। उसके बाद इस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये बड़ा फाइल है, ज़िप फाइल है, तो इसमें आने में थोड़ा सा टाइम, तो थोड़ी देर आपको यहाँ पे वेट करना है। जिप फाइल है, बड़ा फाइल है, इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1.5 GB का फाइल है, तो अब घबराना नहीं है, सिंपली आपको वेट करना है। तो जैसे ही फाइल आता है मैं आपको पूरा डिटेल्स में वीडियो दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो होने में कुछ टाइम लेता है। उसके बाद आपको फ़ोन को डाउनलोड मोड में लाने के लिए पावर बटन, होम की और वॉल्यूम डाउन, तो ये देखिए ये आ गया। उसके बाद तो इस तरह से जो है आपको प्रेस करना है एक साथ सबको। तो देखिए मैं कर रहा हूँ, तो ये देखिए कंटिन्यू डाउनलोड मोड। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू दे दिया, डाउनलोड मोड आ गया। अब सिंपली आपको USB के थ्रू USB को अंदर डालना है, तो आपका ड्राइवर इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ड्राइवर जो है ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको सिर्फ इस तरह से इसको फ़ोन को आराम से रख देना है। मैं दिखाता हूँ ड्राइवर लेने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ID कॉम पे ये जब ड्राइवर लेगा तो यहाँ पे पूरा इंस्टॉल हो जाएगा आपका। तो इस तरह से जो है आप किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीका से। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आप, मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ID कॉम पे यहाँ पे आ गया। अब सिंपली इसको क्लोज़ कर देंगे, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लोज़ कर देने के बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट। तो जैसे मैं स्टार्ट दूंगा, यहाँ पे देखिए मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, सिंपली आपको मैं दिखा रहा हूँ, USB हमारा डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट दे दिया, देखिए ये हमारा फ्लैश स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ पे इतना शो होगा,
तो फ्रेंड इस तरह से जो है आप किसी भी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, सैमसंग का कोई भी फ़ोन हो इसमें फ्लैश कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो रहा है, इस तरह से होगा आपका। तो यहाँ पे भी अब शो हो रहा है, देख रही है, तो इस तरह से फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसको आराम से रख देते हैं हम यहाँ पे, ये फ्लैश हो रहा है अभी। तो फ्रेंड देखिए ये इस तरह से फ्लैश हो रहा है, तो मैं आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी इतना जा रहा है। तो जैसे ही रीसेट लिखा आ जाएगा आपका, उसके बाद पास लिखा भी आ जाएगा, तो फ़ोन आप यूएसबी को आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो ये फाइल मैंने सैम मोबाइल से डाउनलोड किया है साइट से। तो फ्रेंड आप जो है एक सैम मोबाइल का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, आप वहाँ से जेन्युइन फाइल मिल जाता है आपको, हर कंट्री का मिल जाता है आपको फाइल, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए फाइल। तो इस तरह से जो आप किसी भी सैमसंग फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीका से। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। तो ये देखिए रिसेट हो गया हमारा फ़ोन, देखिए ये ऑन हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब जो इस तरह से होगा आपका, फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह से ऑन हो जाएगा आपका फ़ोन। तो देखिए साउंड भी आ गया आपका फ़ोन का। तो वीडियो लंबा हो गया, मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा था इसलिए वीडियो लंबा हो गया। तो इस तरह से हो जाएगा आपका फ़ोन, तो इसे होने देना है आराम से।
तो मैं वीडियो को थोड़ा सा जो है पॉज कर रहा। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से जो आप किसी मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।